191 में डिफरेंशियल इक्वेशन बोल के दिख रहा है क्या? इक्वेशन विच कंटेन्स द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन, दिख रहा है सबको? वो लिखना है और उसका 6 एग्जांपल है, देखो वो लिखना है और नीचे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है क्या? वो पूरा पैरा लिखना है। स्टार्ट राइटिंग। लेट हुआ? हाँ क्या हुआ? इधर से आते हो? इधर से आते हो? चलो चलो पहला एग्जांपल लिखो। डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री बोला है ना, तो क्या करो, इक्वेशन लिखो और उसका ऑर्डर एंड डिग्री कैसा पहचानने का, देखो अभी बताता हूं। ये करूं क्या? नेक्स्ट लिखो, पहला एग्जांपल लिखो। क्या डिक्टेट कर रहे हैं पहला एग्जांपल? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। हाँ बोलो। एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू साइन एक्स। बाहर निकालेगा? देखो इधर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? चैप्टर कर रहे हैं मतलब सब है ही, ऐसा एक भी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, सभी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका ऑर्डर एंड कैसे है? बिकॉज इट कंटेन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सब दिखाई दे रहा है। ओके तो हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पहचानो, इसके सामने में ऐसा ओ और डी लिखेगा। ओ मतलब ऑर्डर टू दिख रहा है मेरे को, और इसके ऊपर मेरे को पावर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब वन है। डिग्री क्या होता है? वन होता है। देखो इतना ही है, वन मार्क फॉर दी ऑर्डर एंड वन मार्क फॉर दी डिग्री, इतना ही है। एमसीक्यू सम चाहिए। 50 से तब करके आया है? लेकिन 205 को लेकर बैठना चाहता था। लेट क्यों हुआ? 7:30 को लगा ना तेरे को, बराबर ना? फिर भी लेट ही आया है। तुम लोगों को क्या क्या लगता है बताने में। चलो Thank you.
नहीं 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 कुछ सम्स डायरेक्टली देखने के बाद पता चलता है, कुछ सम को थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है। तो सम नंबर टू ऐसे सम्स आता है एग्जाम में, ऐसा भी आता है अच्छी बातें आया तो, लेकिन ये ऐसा सम ज्यादा आता है। क्वेश्चन नंबर टू पहले क्वेश्चन लिखो, ये तुम लोग डायरेक्टली नहीं गेस कर सकते। ऑर्डर डिग्री स्क्वायर रूट है क्या? बोलो स्क्वायर रूट क्यूब रूट है। ओके क्यूब रूट है, कोई बात नहीं। बोलो वन 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 प्लस हाँ डीवाई बाय होल स्क्वायर है क्या? हाँ इक्वल टू बोलो डी स्क्वायर बाय, ऐसा ही है ना। ये क्यूब रूट मतलब वन बाय थ्री लिखते हैं ना, तो ये फ्रैक्शन नहीं चलेगा। क्या करोगे लिखो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, सुना है ना वैसा क्यूबिंग भी होता है ना। क्यूबिंग किया तो क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में वो क्यूब हट जाएगा। और ये डबल डेरिवेटिव के ऊपर होल क्यूब होता है क्या? सो दिस इज योर एक्चुअल डिफरेंशियल इक्वेशन नाउ। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन था लेकिन फ्रैक्शन वगैरह नहीं चलेगा, वो मैंने बताया ना। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन अभी प्रॉपर है, सॉल्व किया है। रिकॉग्नाइज करो ऑर्डर टू है और डिग्री थ्री है, समझ में आ गया? अभी कुछ बोलने का नहीं अभी, करेक्ट लिख दो। हाँ फोर्थ में सॉल्व करना जरूरत है। स्क्वायर रूट है क्या? उसको रेस टू हाफ लिखो और स्क्वेयरिंग करो, समझा क्या? रूट है तो स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा। चलो बताता हूँ क्यों है, उधर इंपॉर्टेंट नोट है कंसेप्ट। फोर्थ कर रहा है ना, स्क्वेयरिंग किया ना। हाँ फोर्थ करो, उसके बाद पांचवा भी आ जाएगा लग रहा है मेरे को। पांचवे का टू कॉमा वन है क्या? बोलो ऑर्डर टू ऑर्डर टू डिग्री वन That should be free from all fractions and negative values. आठवा बता दो, आठवा हो गया क्या? सिक्स हो गया क्या? सिक्स का थ्री टू है क्या? सिक्स टू वन है पांचवे का, टू थ्री कैसा बोलता है? सेवन स्टार्ट मार्क करो, सेवन में इंपॉर्टेंट नोट लिखो, इंपॉर्टेंट नोट, ऑल ऑफ यू पे अटेंशन। व्हेनेवर लिखो dy upon dx
comes in the form of comes in the form of angle of any trigonometric function. ये मीनिंग समझा क्या? कौन सा भी ट्रिग्नोमेट्री टर्म का एंगल में अगर dy by dx आया और e raise to dy by dx और a raise to dy by dx ऐसा भी आ सकता है, एक्सपोनेंशियल का पावर में अगर dy by dx आया, सच डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड. लिखने का ये समझाए क्या? देखो सिर्फ डिग्री नहीं निकलेगा, ऑर्डर निकलेगा लेकिन उसका. चलो लगाया कि वैसा होगा. हेलो चलो नहीं होगा. ऐसा कैसा डायरेक्शन में रखिएगा? चलता है क्या? चलता तो नहीं हूँ क्या मेरे को? ऐसा चल रहा ये लिखा क्या? ये समझ में आया क्या लिखा है? कुछ रब हो गया क्या? ठीक है तो ये पढ़ो और फिर तुम लोग सातवा है क्या? सेवन ना, सेवन का डिग्री नॉट डिफाइंड होता है क्या बोलो? लेकिन उसका ऑर्डर निकाल सकते हैं तुम लोग. ऑर्डर टू है, ऑर्डर टू डिग्री नॉट डिफाइंड. देख लो अपन ने जितना भी किया है सब पीछे का राइट है क्या? अपना राइट है आंसर पीछे राइट है क्या? चेक करो सिर्फ एक ही सम बचा है नाइन, वो मैं कर रहा हूँ बोर्ड पे अभी. बोल रहे नाइन क्या है बता रहे थोड़ा? डी क्यूब हाँ कौन सा बता रहे हैं? नाइन वाला ऐसा थोड़ी है. अच्छा हाँ डी एक्स क्यूब ना, हाँ रेस टू हाफ ना, माइनस वाले को उससे एडजस्ट कर दे, इक्वल टू लिखता हूँ मैं डी वाई ऑफ डी एक्स होल रेस टू 1 बाय 3. ए शान बैठ जरा. नहीं नहीं पहले 20 20 बता, 20 प्लस हाँ भी बोल डी वाई बाय एक्स होल रेस टू 1 बाय 3. शिफ्ट किया उसको, ये समझा क्या? देखो क्वेश्चन को रीअरेंज किया और फ्रैक्शन में टू और थ्री दिख रहे हैं. देखो डिफरेंट एक्सप्रेशन, मतलब अब तक अपन को क्या दिखा? एक तो 1/2 दिखा या 1/3 दिखा, तो स्क्वेयरिंग क्यूबिंग ऐसा करके वो फ्रैक्शन हटता था. अभी ये ऐसा नहीं होगा. व्हेनेवर फ्रैक्शंस आर डिफरेंट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू चेक द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द पार्ट. 2-3 का एलसीएम 6 होता है क्या? टेकिंग 6th पावर ऑन बोथ साइड लिखने का, टेकिंग 6th पावर ऑन बोथ साइड ऐसा लिखो सेंटेंस. मैं नहीं लिख रहा हूं, 6th पावर ऑन बोथ साइड
तो 6/2 क्या होता है, 3 होता है, और इधर 20+dy/dx 6/3 क्या होता है, स्क्वायर होता है क्या, देखो बराबर है क्या, एक्सपांड करने का कुछ मतलब नहीं है, तो ऑर्डर डिग्री मेरे को पता चल गया है, तुम लोगों को चला क्या पता, 3 है क्या, ऑर्डर 3 डिग्री 3 होता है, देखो हो गया एक्सरसाइज खत्म, देख लो पीछे सब राइट है क्या, हाँ आया क्या किसी को, दो जन को आया इधर, आंसर सेम आंसर यू आर गेटिंग, सब लोग ध्यान दो जरा जो लोग को नहीं आए, सबसे पहले तो ये 1.3 का सम है, ये समझ में आना चाहिए, इम्प्लीसिट फंक्शन आई होप सबको याद आ रहा है, मैंने बताया था, जरा डिक्टेट करो एक्स वाई इक्वल टू क्या है, लॉग वाई प्लस सी, बराबर है ना, व्हेनेवर एक्स एंड वाई आर कमिंग टुगेदर दैट इज कॉल्ड एज इम्प्लीसिट फंक्शन का सम, यू इंटू वी करने का, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है, नो नीड ऑफ राइटिंग दैट, एंड लॉग वाई वेरी फेमस फॉर्मूला है इसका, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस सी मतलब प्लस 0, तो आई होप इतना तो आया रहेगा, हाँ लाइक टर्म्स टूगेदर इज वॉट यू हैव टू डू इन द नेक्स्ट स्टेप, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, समझाइए क्या, देखो प्लस वाई को उससे लिया, बात मत करने कर रहा है मैं इधर, टेक डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, कैन आई राइट एक्स माइनस 1 अपॉन वाई, एंड नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई हियर, बताओ क्या आता है, एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई आता है क्या, इक्वल टू माइनस वाई, समझाई क्या, देखो ये नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डी वाई अपॉन डी एक्स वी आर गेटिंग व्हाट, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस 1 मिलता है क्या, लेकिन शो दैट में मेरे ख्याल से वाई स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा, या डिनोमिनेटर एक्स वाई माइनस 1 के जगह पे 1 माइनस एक्स वाई लिखा रहेगा, सो टेकिंग माइनस साइन कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, सो यू आर गेटिंग 1 माइनस एक्स वाई, सो माइनस माइनस कैंसल, वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, हिंस प्रूव है क्या, देखो yes. लिखो जल्दी, बोल क्या तो बन जाने, क्या बताओ, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी है ना, ध्यान दो अभी, डोंट राइट डोंट टॉक हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव चेक करो, फर्स्ट डेरिवेटिव राइट रहेगा तो ही सेकंड डेरिवेटिव राइट आएगा, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इट्स अ चेन रूल, 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आया क्या, बोलो क्या आया, तो इसका यू बाई वी भी कर सकते हो तुम लोग, सही है तो भी आएगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये सबसे इजी मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो सीधा से, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं क्या, बोलो
बराबर है ये, और डबल डेरिवेटिव तो निकालना है अपने को, सो दैट देख के पता चली गया, मतलब और एक बार डेरिवेटिव लेना तो है। ये मेरा u है और ये मेरा क्या है v है, u इन टू v करेगा मैं, पता है ना u इन टू v सबको, तो डायरेक्ट बताओ क्या डायरेक्ट लिख रहा है मैं, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, dy बाय dx का डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव होता है कि नहीं, फिर कैसे लिखते हैं, प्लस dy अपॉन dx लिख के u का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, मुझे रूट एक्स दिख रहा है वो, वन अपॉन टू रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटरनल डेरिवेटिव माइनस टू एक्स, यस और नो, आया ना ये, समझा कि नहीं समझा। और राइट आंसर में तो बहुत इजी है, टू कांस्टेंट है बाहर निकालो, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, क्या बोलो बराबर है, आया ना। अब ये रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसको हटाता हूं मैं, बहुत इजी है, मल्टीप्लाई करो उसी से, मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऐसा लिखा तो चलता है, तो रूट इनटू रूट हट गया, वन माइनस एक्स स्क्वायर आता है क्या, ये वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डबल डेरिवेटिव आएगा, बराबर है ना, ए टू कैंसिल होता है कि नहीं होता है इधर, ये माइनस इंटू प्लस माइनस होता है कि नहीं, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा मैं लिख सकता हूं, क्या बोलो, डिनोमिनेटर ऑफ रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर किधर गया पूछो मेरे को, कैंसिल होता है वो, और राइट हैंड साइड में भी वो कैंसिल होके टू मिलता है क्या, देखो हेंस प्रूव्ड है ये क्या आंसर, सबसे इजीएस्ट मेथड है ये, दिस इज वन ऑफ द मेथड, ऑल्सो यू कैन डू बाई यू बाई वी ऑल्सो, स्क्वेरिंग से भी कर सकते हो, आएगा उससे भी आएगा, थोड़ा दिमाग चलाने का है उसमें, स्क्वेरिंग से भी आएगा, अभी रहने दो मैंने किया है, गो फॉर दिस मेथड, जिसको स्क्वेरिंग से नहीं आ रहा है वो 1.5 का लास्ट सम्स देखे मेरा, मैंने जो पढ़ाया था वो तुम लोग को याद आ जाएगा, लॉग एक्स रेज टू एम होता है क्या बोलो, पहले फर्स्ट बेंच देख इधर, एम लॉग एक्स लिखा है क्या, तो इसका डेरिवेटिव क्या लिखा, ये समझाए क्या, देखो तो डी वाई अपॉन डी एक्स एम बाहर लेके y अपॉन x लिख सकता हूं क्या, इसे इतना लिखा है क्या, तो डबल डेरिवेटिव लेना है ना शायद, तो डबल डेरिवेटिव ले लो, m कांस्टेंट है बाहर निकालो, ऐसा वाला सम भी पढ़ाया मैंने 1.3 में, y बाय x का u बाय v करने का, x dy बाय dx माइनस y होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर आता है क्या बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x square into इधर देखो डबल डेरिवेटिव mx dy by dx माइनस एम वाई आता है क्या, हाँ देखो समझा है क्या, क्या है इसमें बताओ, एक्सप्लेन करने जैसा क्या है बताओ इसमें, एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव माइनस एम एक्स डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखा है उसने, प्लस एम वाई इक्वल टू जीरो लिखा रहेगा शायद, हाँ ठीक है हेंस प्रूव्ड, देखो समझाए क्या, ये सबसे इजीएस्ट मेथड है,
ना तो बैठो है करो बात तो हम बेंच और बात अरे अच्छा आया क्या कर रहा है इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है वो सब शो देट दिखने का उसके हिसाब से सोचना है देखो इधर पांचवा सम देखो y इक्वल टू बोलो क्या है सबसे पहले तो u प्लस v करना है ये समझ में आना चाहिए dy अपॉन dx माइनस b अपॉन x स्क्वायर होता है ये समझा क्या सबको तो फिर कितना इजी है एक्स स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बी लिखने का पहली बार ये समझ में आना चाहिए इधर और इसका यू इंटू वी करना है लेफ्ट हैंड साइड में डेट्स इट और कुछ नहीं एक्स स्क्वायर इंटू डबल डेरिवेटिव प्लस डीवाई अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है और माइनस बी का डेरिवेटिव 0 होता है क्या है आंसर यही है शायद यही है कि x कॉमन निकाला है ना तो ठीक है वो शो दैट लिखने का पता चलेगा क्या करना है बोलिए ये देखो x कॉमन निकाला तो ये क्या आएगा x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो यस और नो बराबर है कि नहीं ऐसा भी लिख सकते हैं अपन शिफ्ट दैट एक्स टू दी अदर साइड तो क्या आता है एक्स इंटू डबल डेरिवेटिव प्लस टू डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो अपॉन एक्स क्या होता है हेंस प्रूव्ड है क्या देखो यही आंसर हो गया क्या लास्ट समय कर दो टाइप थ्री चालू करता हूं मैं क्या हुआ लॉन्ग ले लो जल्दी नहीं आ रहा है आंसर लॉगी का वैल्यू कौन होता है एक किधर से है आपको एक किधर है एक से वो अच्छा ये रेस्टो एक से क्या ले लो ना आ गया आंसर देखो इधर लास्ट सम बता क्या है वाई इक्वल टू ई रेस टू एक्स है ना ऐसा ही है ना तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड डोंट टॉक ऑल ऑफ यू देखो इधर लॉग लिया तो एक्स लॉग ही लिखू क्या डायरेक्टली लॉग वाई इक्वल टू एक्स आता है क्या बोलो तो इसका डेरिवेटिव बताओ जरा वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए क्या बराबर है क्या करेक्ट है एक काम करो इसको इक्वेशन वन नाम दो अभी मेरे ख्याल से एक ही बार डेरिवेटिव लेना है शायद ए का वैल्यू तुम लोग को इक्वेशन वन से मिलता है ना ऐसा थोड़ा दिमाग चलाओ वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स ए कैन बी रिटर्न एज log y
लॉग वाई अपॉन एक्स लिख सकते हैं क्या? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या है एक्स डी वाई बाई डी एक्स वाई लॉग वाई है क्या ऐसा कुछ आंसर? हाँ यही है, बस इतना ही करना है। नहीं बना है याद नहीं है। जेई का भी आया, आया क्या? जेई का 23rd जून को है, 23rd जैन को है ऐसा मैं, वो रूमर है क्या? तो मेरे हिसाब से इस साल अप्रैल में मेरे रहेगा फिर, जैन में वैसा मेरे कुछ फायदा नहीं है क्योंकि सब जगह ऑब्जेक्शन आया कि फॉर्म का तो जाने दो, पढ़ाई नहीं हुआ है ये सबसे, ये है वैसे भी पढ़ाई होता नहीं है जेई का कभी पूरा। ये हो गया क्या? करो नेक्स्ट, चलो बात मत करो, टाइप थ्री चालू करते हैं अपन। ए चुप बैठो, लिखो टाइप थ्री, लिखो टाइप थ्री स्टार मार्क है, इधर से मेन चैप्टर चालू होता है। लिखो सम्स बेस्ड ऑन, सम्स बेस्ड ऑन टाइप थ्री लिखा है बोर्ड पे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। एम डी एक्स प्लस, बात मत कर रहे दर्शन बैठ जरा, क्या हुआ अभी? इधर बैठ, बैठ इधर, इधर बैठ। ये फॉर्मेट है सम का, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू सी, वेयर एम इज नथिंग बट व्हाट टर्म्स कंटेनिंग एक्स लिखो, एंड एन इज टर्म्स कंटेनिंग वाई, मीन्स यू हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई पैरेलली नाउ। ठीक है, ये लिखो, ये कंसेप्ट है, ये सब दिया नहीं है टेक्स्ट बुक में, पता नहीं क्यों नहीं दिया है, डायरेक्ट ऐसा एक्सरसाइज बोल के डाल दिया है, इवन सॉल्व एग्जाम के पहले भी नहीं लिख के दिया है सर ये। तो क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फाइव, तीन है ना आगे, नहीं टू थ्री फोर है शायद, तो ये तीनों क्वेश्चन यही है कंसेप्ट, मार्क करो इम्पोर्टेंट सम्स जो अपन क्लास में करने वाले हैं। सम नंबर वन, सम नंबर टू, सम नंबर थ्री, फोर स्टार मार्क, फाइव, एट स्टार मार्क, नाइन एंड टेन, एक दो तीन चार पांच, पहला पांच सम, लास्ट का तीन, नौ दस। क्वेश्चन नंबर थ्री में छह सम दिख रहा है, सम नंबर वन, सम नंबर टू, सम नंबर थ्री, सम नंबर फाइव, वन टू थ्री फाइव, फाइव स्टार मार्क, थ्री स्टार मार्क, वन स्टार मार्क, ये तीनों आया है बोर्ड में, वन थ्री फाइव। एक सम में करके बताता हूं, ध्यान दो जरा, डोंट राइट, जरा क्वेश्चन बताओ, डी वाई बाय डी ए वन प्लस, यही है ना, एकदम इजी है, देखो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, डिक्लेयर करो कैसे होता है,
वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ये समझ में आया क्या? बोलो। वेरिएबल सेपरेबल मेथड मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल dx एंड dy शुड बी ऑन अ सेम लाइन, मतलब एक ही लाइन में होना चाहिए, और चेक करने का dy के साथ y टर्म होना चाहिए, dx के साथ x टर्म होना चाहिए। अगर आया है तो इंटीग्रेट करो, इधर आया है क्या? नहीं है, तो अरेंज करो टर्म्स को। देयरफॉर लिखने का dy अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं क्या? बोलो। कभी भी dy और dx डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, ऑलवेज इट शुड बी देयर इन द न्यूमरेटर। वेरिएबल सेपरेट हो गया, अपना जो टाइप लिखा है ना अपने में वेरिएबल सेपरेबल मेथड हो गया, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट वन सेंटेंस। INTG मतलब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऐसा लिखने का सप्तम में। तो इंटीग्रल ऑफ dy अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये समझाई का देखो, ये अपने को फॉर्मूला नंबर 19 का याद दिला रहा है, आता है क्या याद तुम लोग को? ऐसा tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, एंड वंस इंटीग्रेट निकलेगा तो प्लस सी हमेशा राइट हैंड साइड में ही लिखने का, प्लस सी, और इसको हमेशा बोलने का जीएस बोलने का, हर एक सम में जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, ठीक है? तो प्लस सी लिखने के बाद सब सम में जीएस ऐसा लिखे, खत्म कर दो। समझा क्या? पहला सम हो गया, दो मार्क। बोलो log of dy by dx 2x plus 3y क्या? यही है ना? देखो इधर, इधर देखो, इधर लॉग का बेस में कुछ भी नहीं रहेगा तो बाय डिफॉल्ट ही होता है। देखो मैंने डेरिवेटिव में काफी समय बताया था, सो व्हेनेवर लॉग का एंगल डीवाई बाय डीएक्स आया, ये चैप्टर के लिए बात कर रहा हूं, इट्स वेरी कंपलसरी टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसको मैं डीवाई अपॉन डीएक्स ई रेस टू 2x प्लस 3y ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करने का dy इक्वल टू, ये इंडाइसिस का लॉ भी लग रहा है मेरे को, e रेस टू 2x इंटू e रेस टू 3y dx आता है क्या? बोलो। तो टर्म्स अरेंज है क्या? नहीं है। e रेस टू 3y जब इस साइड आएगा तो क्या होता है? dy अपॉन e रेस टू 3y इक्वल टू e raise to 2x dx होता है क्या? देखो टर्म्स अरेंज हुआ है क्या? हुआ है, लेकिन ये e raise to 3y नीचे नहीं चलेगा, that should be in the numerator, integrating both sides, that sentence you write down, and I'm writing e raise to minus 3y dy equal to integral of e raise to 2x dx। ये समझाइए क्या? देखो ठीक है, इसमें और एक प्रॉब्लम ये है, अगर dx और dy का पोजीशन चेंज हो गया, ये बहुत ध्यान में रखना है ये बात, तो आंसर रॉन्ग आता है इसमें, मतलब वो तुम लोगों को पता चलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कौन किधर है, वो तो समझ में आता है, लेकिन बाय चांस अगर तुम लोगों ने बोला dy इधर उधर गया तो माइनस होता है, dx इधर गया तो माइनस होता है, फिर माइनस माइनस कैंसिल होता है, वो लॉजिक तो बराबर है लेकिन इसमें मैच नहीं होता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, dy एंड dx जो पोजिशन पे है वही पोजिशन पे रखना है एंडिंग तक। तो ये मेरे ख्याल से समझा है ना, इसको तुम लोग राइट आंसर में लेके नहीं जा सकते। ये मेरे को e रेस टू x दिख रहा है, जरा बताओ e रेस टू माइनस 3y क्या होता है? e रेस टू माइनस 3y माइनस 3 होता है, देखो कोएफिशिएंट से अपन डिवाइड करते हैं ना, ये e रेस टू 2x
अपॉन टू प्लस सी लिख सकते हैं क्या? देखो तो एक काम करो, सी वन लिख दो पहले, तो अपन अरेंज करने वाले, वी आर गोइंग टू अरेंज दैट। कैसे? देखो क्या करता हूं मैं, प्लस सी वन को इस साइड लाता हूं, हाँ, और उसको उस साइड लेके जाता हूं, मतलब e रेज टू टू एक्स अपॉन टू प्लस e रेज टू माइनस थ्री वाई अपॉन थ्री इक्वल टू माइनस सी वन लिख सकता हूं, क्या बोलूं, बराबर है ना? तो इसको चाहिए तो तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, चाहिए तो, ये तो ऐसा रखा तो भी चलता है, माइनस सी वन को सी लिखने का, थ्री ई रेस टू टू एक्स प्लस टू ई रेस टू माइनस थ्री वाई अपॉन टू थ्री का क्या होता है सिक्स इक्वल टू माइनस सी वन, समझाए क्या? देखो तो थ्री ई रेस टू टू एक्स प्लस टू ई रेस टू माइनस थ्री वाई इक्वल टू माइनस सिक्स सी वन लिखने का, माइनस सिक्स सी वन इज कॉन्स्टेंट दैट यू कैन अज्यूम एज सी, जैसा अपन ने सी वन प्लस सी टू को अज्यूम करते थे, याद है कि नहीं, इसको इक्वल टू सी अज्यूम करो, और यही मेरा क्या है जी एस। देखो पीछे क्या दिया आंसर, ये हो गया क्या? देखो जरा, नहीं नहीं रॉन्ग एरो, ये क्या है वाई माइनस एक्स है क्या? चुप बैठो, देखो इधर वाई इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स लिख सकता हूँ क्या मैं? थर्ड है ना ये, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई, इतना तो सब लोगों ने लिखा रहेगा, वेरिएबल सेपरेट हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं हुआ है, डी एक्स अपॉन एक्स लिखने का, डी वाई अपॉन वाई लिखने का, ये समझा ना सबको, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड दैट सेंटेंस यू राइट डाउन, डी एक्स अपॉन एक्स एंड डी वाई अपॉन वाई यू आर गेटिंग, करेक्ट? नाउ दिस इज अवर फॉर्मूला नंबर 10, रिमेंबर ना, log x mod of x होता है, लेकिन log थोड़ा देर में कैंसिल होने वाला है, इसके लिए मैं मॉड नहीं लिख रहा हूं, log x देखो इधर, log x इक्वल टू log y, कभी भी दो log आया या तीन log आया ना, तो हमेशा c नहीं लिखने का, log c लिखने का, this you remember, because that is getting converted into law of logarithm, बताओ log a प्लस log b क्या होता है, बताओ, log y c होता है ना, तो coefficient is same, x equal to c y या y c लिखा तो भी चलता है, क्या दिया है देखो पीछे, ही देना चाहिए if ds